देश के युवाओं को मातृभूमि के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा दी। अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और स्वतंत्र भारत में भी अनेक लोकप्रिय राजनेताओं को देने वाली इस धरती को आज विकास की ये योजनाएं समर्पित करते हुए मैं अपने जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबको इस अवसर पर अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आप बहुत देर से यहां पर इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि लगभग 3 घंटे से ज्यादा समय से आप सबकी यहां पर उपस्थिति जिस धैर्य के साथ आप सबने यहां पर इंतजार किया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैंने प्रयास किया था कि मैं समय पर यहां आऊं, लेकिन संजोग ऐसा रहा कि चाहते हुए भी मौसम की विपरीत स्थितियों में यहां पर बहुत शानदार धूप है और मैं कल लखनऊ से अयोध्या, अयोध्या से रात्रि में ही गोरखपुर आ गया था। गोरखपुर इसलिए आया था कि मऊ के नजदीक है, मैं तत्काल सुबह समय पर यहां पहुंच जाऊंगा, भरपूर समय आपको यहां पर दूंगा। लेकिन सुबह से भयंकर कोहरा है और उसके कारण मैं आपके बीच समय पर नहीं आ पाया। इससे पहले भी जब मैं घोसी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए श्री विजय राजभर के प्रचार में यहां आया था तब भी मुझे लेट हो गया था, लेकिन उस समय भी आप लोगों ने, घोसी के मतदाताओं ने वहां पर देर तक इंतजार किया और श्री विजय राजभर को भारी मतों से विजयी बनाकर के यहां से भेजा। मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, विकास शासन की प्राथमिकता है। याद करिए 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था, तब उन्होंने देश की जनता को एक ही बात कही थी कि हम विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, गरीब के साथ कोई भेदभाव नहीं होने देंगे, न जाति के नाम पर, न मत और मजहब के नाम पर, न क्षेत्र और भाषा के आधार पर। इस देश के अंदर एक नियति बन गई थी चेहरा देखकर के योजनाओं का लाभ देने का, योजनाओं का लाभ चेहरा देखकर के देने की जो दुष्प्रवृत्ति थी, इसीलिए इस देश के अंदर गरीबी, इस देश के अंदर बेरोजगारी, इस देश के अंदर अव्यवस्था, इस देश के अंदर अराजकता को जन्म दिया और आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के देने की बात जो प्रारंभ हुई, आज उसका परिणाम है प्रधानमंत्री आवास बिना भेदभाव के हर गरीब को दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर गरीब के घर में शौचालय बनता है, विद्युत का कनेक्शन बिना भेदभाव के हर गरीब को मिलता है, रसोई गैस का सिलेंडर हर गरीब को बिना भेदभाव के मिलता है, 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा हर गरीब को बिना भेदभाव के मिलता है, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं देने का कार्य, न उसकी जाति देखनी है, न उसका मत देखना है, न उसका मजहब देखना है, न उसका क्षेत्र देखना है, न उसकी भाषा देखनी है, क्योंकि हमारे लिए तो देश के अंदर 135 करोड़ की जनता ही हमारा परिवार है और उसके चेहरे पर खुशहाली लाना यही प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है और उसी संकल्प के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, देश की जनता के साथ उनके सुख दुख में खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। हमारे लिए भी प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की आबादी ही अपना परिवार है और इसके तहत हम तो सोच भी नहीं सकते
इसके अंदर कुछ भी नहीं सोचा जा सकता। इस 24 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली हो, इनके जीवन में मंगल हो और इन सबको न केवल विकास की योजनाओं के साथ जोड़ना बल्कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी सरकार कर रही है। विकास की योजनाओं को पहुंचाने के साथ साथ, लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के साथ साथ विकास की योजनाओं पर भी उनका अधिकार होना चाहिए। सड़क बननी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, बाढ़ से बचाव की व्यवस्था होनी चाहिए, बंद पड़ चुके कल कारखानों को फिर से प्रारंभ होना चाहिए और युवाओं को रोजगार और नौकरी भी मिलनी चाहिए। आप याद करिए 2017 के पहले प्रदेश के अंदर नौकरी की चेहरा देखकर के दी जाती थी, नौकरी निकलती थी, एक परिवार के लोग झोला लेकर के वो सूली के लिए निकल पड़ते थे। लेकिन हम लोगों ने पिछले पौने चार वर्ष के दौरान 4.25 लाख नौकरियां प्रदेश के युवाओं को दी, सरकारी नौकरियां युवाओं को दी, चाहे वह पुलिस की भर्ती हो, अध्यापक की भर्ती हो, शिक्षा विभाग की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो, सिंचाई विभाग की हो, लोक निर्माण विभाग की हो, किसी भी विभाग की नौकरी क्यों न रही हो, कोई बेमानी और भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा और उसकी ऊर्जा के साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। कोई धोखा करेगा तो उसकी जगह जेल होगी, जेल, और उसे जेल पहुंचाने का कार्य भी सरकार ने मजबूती के साथ किया है। भाइयों बहनों, हर नौजवान के हाथ को रोजगार देना, हर किसान को समय पे बीज, खाद और पानी की व्यवस्था करना, हर व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी देना, हर महिला के सम्मान की रक्षा करना और देश विकास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास की परियोजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके अधिक से अधिक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश को देश के सामने सबसे विकसित राज्यों के रूप में प्रस्तुत करने के संकल्प के साथ आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। आज ही प्रण यही कारण है, जिन लोगों की आदत थी योजनाओं को लटकाने की, वे कार्य नहीं होने देते थे, कोई कार्य नहीं होने देते थे, हर कार्य को लटकाते थे, भटकाते थे, न विकास के कार्य होने देते थे, न आस्था का सम्मान होने देते थे। आखिर इन 3.25 साल के दौरान लोग सोचते थे, लोग हमसे पूछते थे क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा, हम कहते थे जरूर बनेगा, चिंता मत करनी, जरूर बनेगा। पर भाइयों बहनों, जनता जनार्दन ने अवसर दिया, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, 500 वर्षों की समस्या का समाधान किया और 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। 500 वर्षों तक जिस कार्य की तमन्ना देश की जनता देखती थी, जिसके लिए वो शहीद हुई थी, अपनी आस्था को प्राप्त करने के लिए जो तमन्ना थी, आज सपना साकार हुआ, कोई सोचता था? विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं के बारे में भी चर्चाएं होती थी, लोग कहते थे क्या ये होंगे, ये 4 लेन, ये 6 लेन, इन सड़कों के बारे में लोग कल्पना करते थे। आज हम पूर्वी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ रहे हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था की बैकबोन बनने जा रही है, यानी यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश आजादी के बाद से अपनी विपन्नता के लिए रो रहा था, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश ने व्यापक पैमाने पर नए उद्योग लाने और नए सिरे से यहां पर रोजगार की संभावना को आगे बढ़ाने और अपने युवाओं को इस बात की गारंटी देने के लिए हम लोग आए हैं कि यहां पर युवा पलायन नहीं करेगा बल्कि उसके घर और उसके गांव में ही हम लोग उसको रोजगार और नौकरी देने का कार्य करेंगे। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इसी उद्देश्य के साथ हम लोग बना रहे हैं। आजमगढ़ में एक नया राज्य विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, ये विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा का एक नया केंद्र बिंदु बनकर उभरेगा।
आजमगढ़, जिसको लोग पहले डर से नाम ही नहीं लेते थे, लेकिन आज आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट की सुविधा देश और दुनिया के मऊ के लोगों को गोरखपुर और लखनऊ और वाराणसी नहीं जाना पड़ेगा। मुश्किल से 50 किलोमीटर की दूरी पर, एक घंटे की दूरी पर एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से देश के अंदर कहीं भी जाने की सुविधा आपको केवल आजमगढ़ से प्राप्त हो जाएगी। भाइयों बहनों, ये विकास की ये योजनाएं लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में सरकार का एक प्रयास है, क्योंकि विकास के प्रति सोच रखने वाली सरकार आपने दी, इसलिए सरकार ने भी इस प्रकार की योजनाएं दी। हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से मातृशक्ति के स्वावलंबन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके बहुत बेहतर तरीके से। आज आप देख रहे होंगे, अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने 97,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूहों को 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि रिवॉल्विंग फंड के रूप में वितरित की है। वे उनका समूह कुछ न कुछ कार्य अपने अपने गांव में कर सके, कोई सिलाई का, कोई कढ़ाई का, कोई मास्क बनाने का, कोई अपने गांव की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के साथ जुड़ने का, कोई मुर्गी पालन का, कोई बतख पालन का, कोई बकरी पालन का, कोई गाय पालन का, कोई किसी अन्य कार्य, कोई सौर चाक के साथ जुड़ेगा, कोई किसी अन्य योजना के साथ जुड़ेगा। ये सभी कार्य इसी के लिए, क्योंकि अगर एक महिला अपने परिवार में खुशहाल होती है तो पूरा परिवार खुशहाल होता है, और परिवार खुशहाल होता है और समाज की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करता है, और यही कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए। श्री दारा सिंह जी बड़े चिंतित थे पिछले दिनों, बरसात में बाढ़ आई थी, वे परेशान थे बाढ़ से मऊ के अंदर नुकसान न हो जाए, हमने कहा चिंता न करें, हमने बाढ़ की समस्या का समाधान किया है, न्यूनतम स्तर पर लाए हैं, और देखना 1-2 वर्षों के अंदर में ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे बाढ़ की स्थायी समस्या का समाधान, बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान हम लोग निकाल लेंगे। नदियों को ड्रेसिंग करके चैनलाइज करना, व्यवस्थित तरीके से कहीं भी नदियां इधर उधर नहीं जाएंगी, बल्कि एक चैनल उसको देंगे, उस चैनल के माध्यम से नदियां अपना राह बनाएंगी, जनता बाढ़ से बचेगी, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था अराजकता कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, और एक व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। काफी हद तक सफलता मिली है, बहुत सारी जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक हमने आगे चलाया है, और आगे भी ये कार्य प्रारंभ हो गए। हम लोगों ने कह दिया है जल शक्ति विभाग से हर हाल में 15 जनवरी से बाढ़ से संवेदनशील स्थलों पर कार्य प्रारंभ करें, और 15 मई के अंदर अंदर ये सारे कार्य संपन्न हो जाएं, जिससे जनता को परेशानी न हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, गलिया हो, गोरखपुर हो, देवरिया, अम्बेडकर नगर या कोई भी जनपद हो, कहीं भी बाढ़ से कोई समस्या किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, इसके स्थायी समाधान का मार्ग निकलना चाहिए। लेकिन साथ साथ आर्सेनिक और फ्लोराइड से जुड़े हुए क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने के लिए सरकार ने व्यापक कार्ययोजना बनाई है। याद करिए, हम लोगों ने बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास करके पेयजल की योजना को आगे बढ़ा दिया है। अब आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों में हम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने जा रहे हैं, इसके लिए व्यापक कार्ययोजना बन चुकी है। आने वाले समय में बंद उद्योगों को, जो कपड़ा उद्योग बहुत सारी जगह कताई मिले बंद हो रखी हैं, हम लोगों ने व्यापक कार्ययोजना बनाने के लिए कहा कि बंद कताई मिलों को चलाने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए। इस बार मैं देख रहा था जब कंबल वितरण का कार्य किया जा रहा है, मैंने कहा है प्रशासन से मोटा कंबल दीजिए गरीबों को, जिससे ठंड वास्तव में ठंड से बचाया जा सके, क्योंकि एक गरीब के लिए इससे बचना बहुत महत्वपूर्ण है। और भाइयों बहनों, ये मोटा जो कंबल है, ये मोटा कंबल प्रदेश के ही कंबल कारखानों में बनाया जा रहा है, इसलिए सरकारों ने इन्हें बंद कर दिया था, हमने इसे फिर से चलाया है, और आज
प्रदेश के कंबल कारखानों में बने हुए कंबल से जब गरीब की ठंड भाग रही है तो उसका आशीर्वाद भी सरकार को प्राप्त हो रहा है। देखिए एक गरीब की ठंड को सरकार ने जोड़ दिया है और उसका लाभ किस रूप में प्राप्त हो रहा है, ये योजनाओं का लाभ और साथ साथ शासन का पैसा अगर सही जगह इस्तेमाल हो जाए तो कोई समस्या ही नहीं आती। समस्या तो तब आती थी जब पिछली सरकारें इन सभी मिलों की जमीनों को बेचने का काम कर रही थी, मिलों को बंद करती थी, नौजवानों को बेरोजगार करती थी और फिर एक एक करके जब ये कारखाने बंद होते थे फिर उनकी जमीनों को नीलाम करने का कार्य औने पौने दाम पर करती थी। हमारी सरकार ने मिलों को जमीनों को बेचने का कार्य नहीं किया, हमारी सरकारों ने बंद चीनी मिलों को बंद यानी बेचने का काम नहीं किया, बल्कि फिर से कोविड-19 के दौरान भी हमने चीनी मिलों को चलाया है और हम लोगों ने कहा है कि जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट में है वहां से जैसे ही निस्तारण होता है मामला हम लोग फिर से उन चीनी मिलों के पुनरुद्धार की व्यापक कार्ययोजना बनाएंगे। लेकिन जिन चीनी मिलों का विवाद नहीं है उन चीनी मिलों का पुनरुद्धार की व्यापक कार्ययोजना बननी ही चाहिए क्योंकि ये हमारे किसानों के हितों में है। और भाइयों बहनों किसानों के लिए तो पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितना कार्य हुआ है वो अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। आज के दिन पर कोई किसान ये नहीं कह सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से उसको वंचित रखा गया। हर किसान के पास सालाना 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का देने की व्यवस्था कर दी गई है। 6,000 रुपए सालाना यानी हर चौथे महीने 2,000 रुपए स्वतः ही किसान के खाते में जा रहे हैं। अभी परसों 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश के 2,30,00,000 किसानों के खातों में 1,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में भेजने का कार्य करेंगे। पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि जाने वाली है। इतना बड़ा कार्य भाइयों बहनों पहली बार देश के अंदर हुआ है। किसानों की उपज को खरीदने का मामला हो, गन्ना मूल्य का भुगतान पिछले 3.5 वर्ष के दौरान 1,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों की उपज को खरीदने का हो या फिर केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करने का कार्य, ये सभी कार्य सफलतापूर्वक किए गए। और आज जब किसानों की आमदनी को दोगुना करने के क्रम में केंद्र की सरकार ने 3 कृषि संबंधी बिल पास किए हैं जिसके अंतर्गत किसान को स्वतंत्रता दी जा रही है कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो बहुत सारे लोगों को इसमें धुराई यानी बहुत सारे लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वे चंद मुट्ठी वाले लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं क्योंकि किसान को बिचौलियों से मुक्ति उनको बुरा लग रहा है। भाइयों बहनों हमें देखना पड़ेगा। बार बार केंद्र सरकार ने कहा है एमएसपी बंद नहीं होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा बंद नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। एपीएमसी एक्ट में संशोधन के बाद मंडियां बंद नहीं होंगी, लेकिन एक नई प्रतिस्पर्धा जहां अच्छा दाम किसान को मिलेगा किसान वहां पर अपनी फसल बेच सकता है, लेकिन गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। बार बार कहा जा रहा कि कॉन्ट्रैक्ट खेती में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, किसान देना चाहे तो अपनी खेत को कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए बेच सकता है, लेकिन मालिक तो उसका किसान ही रहेगा। लेकिन गुमराह करने का प्रयास हो रहा है कि किसान के खेत पे दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे, कैसे कोई कब्जा कर लेगा। आप जान नहीं रहे हैं, इन लोगों को मालूम ही नहीं है
कि कोई माफिया बन करके जाएगा तो माफिया की क्या दुर्गति होती है देख रहे होंगे इस समय। किसान के हितों के साथ और मजदूरों के हितों के साथ और युवाओं के जीवन के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी, और अगर कोई करेगा तो फिर प्रणाम भी भुगतेगा, और यही तो कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी एक झूठ को बार 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 कह करके जनता के सामने भ्रम की स्थिति पैदा करने का उचित प्रयास किया जा रहा है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सुधार आज की आवश्यकता है, और इस सुधार के साथ हम सबको जोड़ना चाहिए। ये विकास इसी सुधार की प्रक्रिया के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। हम आने वाले समय में ढेर सारी अन्य योजनाओं के साथ यहां पर आ रहे हैं। आज तो मैं केवल एक सामान्य जनपद भ्रमण और यहां की समीक्षा की दृष्टि आपके बीच में आया था। इन योजनाओं का जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने यहां पर प्रयास करके यहां के विकास के लिए कुछ योजनाएं ला करके आपको समर्पित की हैं, इन योजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास का एक भव्य कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। मैं इसके लिए अपने इन सभी तीनों अपने विधायकों का, एमएलसी का, जो हमारे मंत्री हैं श्री दारा सिंह जी, श्री श्री राम सोनकर जी, श्री विजय राजभर जी, श्री यशवंत सिंह जी, इन सबको हृदय से मैं बधाई देता हूं विकास की योजनाओं में रुचि देखने के लिए, विकास की योजनाओं को यहां लाने के लिए, और यहां की जनता को इन सारी योजनाओं को समर्पित करने के लिए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं मऊ जनपद के सभी नागरिकों को एक बार फिर से हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम विकास के पैमाने पर और सुरक्षा के पैमाने पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होने देंगे। आप सबके हितों को हर हाल में, हर हाल में, चाहे वो गांव का विकास का मामला हो, किसानों के हितों का मामला हो, नौजवानों के रोजगार का मामला हो, या फिर महिलाओं के सम्मान का मामला हो, इस पर सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ मिलकर के कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।